Hello everyone, welcome back in my online study classes. I'm again back here with a new topic, ionic bond. In previous lectures, we have discussed about the chemical bonding, about the octet rule, its limitations. Other than that, we have discussed about covalent bonding, about Lewis representation and the formal charge also. Here, we are going to discuss the topic ionic bond और ये chemical bonding and the molecular structure का fifth lecture है जहाँ हम start करने जा रहे हैं about the ionic bond. So, let us start our topic. Ionic bond और electrovalent bond. देखिए, ionic bond का ही दूसरा नाम है electrovalent bond और हम इसी electrovalent bond को जो है वो यहाँ पर discuss करेंगे. Ionic bond हमेशा जो है वो form किसके बीच में होता है, between the rich and the deficient species. कोई भी एक species आपके पास में electron rich होगी and the another species will be electron deficient. And between the electron rich and the electron deficient species, ionic bond का formation जो है वो होगा, right? तो इसको अगर हम अपने डेली लाइफ की एक एग्जाम्पल से समझें तो बात करते हैं एक बहुत ही रिच आदमी और बहुत ही पुअर वन की. तो जो बहुत रिच आदमी है, जो बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे वाला है, वो क्या करेगा? दैट विल डोनेट. हमेशा क्या करेगा? डोनेट. और डोनेट कौन करता है? विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज. डोनेट कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज मतलब ये कोई मैन है विच हैज़ द पॉजिटिव चार्ज, या हम ये कहें कि जो बहुत पैसे वाला है, जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है. पैसे के साथ साथ पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी है फॉर द डोनेशन. तो वही आदमी विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, विद द पॉजिटिव थिंकिंग, ये आपके पास में क्या करेगा? डोनेट करेगा. मतलब कि हम बात कर रहे हैं द बॉन्ड आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द स्पीसीज विच इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड द इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो क्या करेगी? जो रिच है वो डोनेट करेगा. जो रिच है वो डोनेट करेगा. डोनेट करेगा तो साइन कौन सा अटेन करेगा? दैट विल अटेन पॉजिटिव चार्ज, राइट. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट है. व्हेन द स्पीसीज इज डेफिशिएंट इट मींस इट विल एक्सेप्ट. जो इसने डोनेट किया, इसने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया. And by accepting the electron, it will attain negative charge, right? और ये हमारे पास में क्या है? Non-metal. Nm non-metal and the m is metal here. Means the bond which is formed between the metals and the non-metals, वो ionic bond का formation होता है. दूसरी बात करें, metal electron rich. डोनेटिंग नेचर शो करता है. इलेक्ट्रॉन डोनेट जो है वो करता है. तो मेटल क्या करेगा? मेटल विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड विल अटेन पॉजिटिव चार्ज आफ्टर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन. नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. व्हेन इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन इट विल अटेन द नेगेटिव चार्ज. आप देखिएगा, इफ विल जस्ट टॉक अबाउट दीज टू स्पीसीज विच हैज opposite charge, and we know it very well that like charge repel to each other while unlike charge attract to each other. Unlike charge that will attract to each other, and by the attraction the bonding which is formed here actually bond hota hi nahi hai. This is only the attraction force. To Due to this attraction force, these two species will held together, और इसी को आप बोलते हैं ionic bond और the ionic compound. Compound is ionic compound and the formation of the bond, जो कि हालांकि bond होता ही नहीं है. This is only the force of attraction here. Electrostatic force of attraction है जिसकी वजह से दोनों species एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं, tightly held together, and this is
ionic bond and the formation of the ionic molecule or the ionic compound. Compound बोलिए ज़्यादा better है, ionic compound will occur. तो ये हुआ हमारे पास में about the ionic bond or the electrovalent bond. आयनिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं. पहली चीज हमने जो देखी यहां पे क्या है, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल जो है वो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल. पहली बात तो हमने ये देखी. यहाँ पे देखिएगा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दैट इज मेटल. इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर जो है वो शो करती हैं मेटल्स. इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट नॉन मेटल, इनके बीच में जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. ये बॉन्डिंग नहीं है, ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये आपके पास में जो है वो क्या है, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. स्पेस नहीं है, मैं ए डबल टिक करके छोड़ रही हूं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच जनरेट्स बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयोन्स, दैट इज केटायन एंड एनायन. ये लीजिए, चलिए देखिएगा. हमेशा हम अगर बात करें अबाउट द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, तो ये किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, द बॉन्डिंग और द टू स्पीसीज आर हेल्ड टूगेदर ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विज जनरेट बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज आयन्स, कैटायन एंड एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा. और वही उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दो स्पीसीज आपस में अटैच्ड हैं, हेल्ड टुगेदर हैं, एंड दैट इज वाई द बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट देयर उसको आयनिक बॉन्ड बोला जा रहा है, जो हालांकि बॉन्ड होता ही नहीं है. दैट इज ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बंधे हुए हैं. देर इज नो बॉन्ड बिटवीन द NaCl. एग्जाम्पल अगर बात करें तो NaCl मॉलिक्यूल आपके पास में जो है वो क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द आयोनिक कंपाउंड. द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट हेयर वो आयोनिक बॉन्ड है, जो कि बॉन्ड नहीं है, विच इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सोडियम केटायन एंड क्लोरीन एनायन, दैट इज क्लोराइड आयन. तो सोडियम केटायन एंड द क्लोराइड आयन बिटवीन दीज टू ओपोजली चार्ज आयन्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आयनिक बॉन्ड. इसी को आप आयोनिक बॉन्ड कह रहे हैं. तो हमने बात किया पहली चीज, द आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. फॉर्म किस किस के बीच में हो रहा है, बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच जनरेट्स बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज आयन्स. दो ऑपोजिट चार्ज आयन्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होगा वही आपके पास में क्या है, आयनिक बॉन्ड है. चलिए इसके अलावा और अगर बात किया जाए ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड का बात किया जाए तो देखिएगा, एग्जाम्पल ले लीजिए ऑफ सोडियम क्लोराइड. NaCl का एग्जाम्पल जो है वो हम लेते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं. चलिए मेटल सोडियम, नॉन मेटल क्लोरीन विच इज अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप, ग्रुप नंबर 17, हैलोजन है ये. चलेगा सोडियम की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, के शेल, एल शेल, एम शेल की बात किया जाए, 2, 8 एंड 1.
It has the atomic number 11 and the electronic distribution will be 281. Means valence shell electron is 1 here. In the valence shell, in the outermost shell, here is only 1 electron. Okay. Chlorine 17, atomic number 287. Now have a look, what is the reason here to form the cation, to form the anion, or to form the ionic bond? What is the reason here? Ionic bond ka reason kya hai formation ka, wo agar baat kiya jaye to that is same. Humne octet rule ki baat ki thi, to attain the octet, to complete the octet, to attain the stability, ya aap ye keh de ki to attain the electronic configuration like of nearest noble gas. एनी एटम वॉन्ट्स टू बी स्टेबल, कोई भी एटम है, कोई भी स्पीसीज है, स्टेबल होना चाहती है. टू अटेन दैट स्टेबिलिटी क्या चाहिए? नोबेल गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन चाहिए, राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन नोबेल गैस के जैसा करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, टू अटेन द स्टेबिलिटी, सोडियम हैज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, राइट? It has two conditions. Sodium has two conditions here. One is it can accept 7 electron. Another condition, it can donate this 1 electron. Which condition is easier here? Obviously, yes. To donate 1 electron. Ye easy hai. Ek donate karna easy hai. 7 accept karne se. To kya karega? This sodium will lose 1 electron and form, ye lijiye, Na hai. It will lose one electron and form Na plus and electron, right? अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ about this electronic configuration, it will be 2 and 8, octet complete stable, right? Come to the next, chlorine. It has also two condition. It can attain 1 electron or can lose 7 electron. If it will lose 7 electron, the outermost shell will be L shell and there will be 8 electron. Octet complete hoga, right? Chaliye. Lekin, which condition is easier here? To attain 1. Ek electron lena easy hai 7 electrons donate karne se. To ye kya karega? It will accept 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? Cl- क्लोराइड आयन बना लेगा. क्लोरीन, इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड Cl-. और यहाँ पर इसके पास में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए, इट विल बी 2 8 अगेन 8 2 8 8. दिस इज octet complete. This is the electronic configuration like of which gas? चलिए check कीजिए. 2 plus 8 10 10 plus 8 18. आर्गन के जैसा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने अटेन किया है, विच इज नोबेल गैस. और नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस कंप्लीट ऑक्टेट, मींस स्टेबल, राइट? तो इस तरीके से सोडियम फॉर्म्स Na प्लस वाइल क्लोरीन फॉर्म्स Cl माइनस. और अब देखिएगा, जब Na प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया, ऑपोजिटली चार्ज आयंस आ गए, तो हमें पता है, ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्ज एंड लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, राइट? लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर. देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, अनलाइक चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है, क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. ड्यू टू द अट्रैक्शन, दीज टू ऑपोजिट चार्ज आयन्स विल बी हेल्ड टूगैदर और ये आपके पास में जो है वो बना लेंगे NaCl, विच इज आयोनिक कंपाउंड. ये आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, NaCl का फॉर्मेशन जो है वो करेंगे इस तरीके से. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल MgCl2 ले लीजिए.
यू कैन टेक द अनदर एग्जाम्पल ऑफ CaF2, कुछ भी ले सकते हैं आप। चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की बात हम कर लेते हैं। एक आप जो है वो सेल्फ देखिएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम इज मेटल है और क्लोरीन अगेन नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपके पास में जो है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, इट इज 2, 8 and 2, राइट। एटॉमिक नंबर 12, 2, 8, 7, 17 हेलोजन ग्रुप नंबर सेकंड का मेंबर है, वाइल द क्लोरीन इज द मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 17। चलेगा मैग्नीशियम की बात करूं, इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इट विल फॉर्म Mg2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव हियर, राइट। क्लोरीन की बात कीजिए, इट रिक्वायर्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्लोराइड आयन बनाएगा। क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल, अब की बार इट विल फॉर्म Cl- एंड द Cl-, राइट। Mg2+ व्हेन देयर इज 2 पॉजिटिव चार्ज, इट मींस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 2 नेगेटिवली चार्ज आयन्स टू सेटिस्फाइड द चार्ज। चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए 2 एनायंस चाहिए, तो Mg2+ Mg2+ will form the attraction with the 2 chloride ions and it will form MgCl2। ये MgCl2 का formation जो है वो करेगा। तो यहाँ पे Mg2+ इसने 2 अपने इलेक्ट्रॉन एक इसके साथ जो है वो क्या किया है, डोनेट किया है, शेयर नहीं किया है। यहाँ पर क्या किया, मैग्नीशियम डोनेट्स इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम डोनेट टू वर्ड्स दिस क्लोरीन। किसको डोनेट किया, इस क्लोराइड क्लोरीन को किया। क्लोराइड का फॉर्मेशन तो आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन हुआ है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज डोनेट हेयर बाय दिस मैग्नीशियम टू द क्लोरीन, इस वाले क्लोरीन को किया गया है, राइट। और इस तरीके से फॉर्मेशन किसका हो रहा है, MgCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज फॉर्मिंग MgCl2 हेयर, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ MgCl2, ठीक है। ऐसे ही आपको जो है वो CaF2 अगेन हैव अ लुक, Ca कैल्शियम, एंड वी नो इट कि कैल्शियम आपके पास में क्या है, कैल्शियम इज मेटल, फ्लोरीन दैट इज नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो है वो क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। आपकी बार यहाँ पर कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट विल बी 20, और फॉर्मेशन जो है वो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए। फ्लोरीन के पास में आपको पता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन एंड अनादर इलेक्ट्रॉन विल एक्सेप्ट बाय द अनादर फ्लोरीन एटम टू फॉर्म द फ्लोराइड Ca2+ F- अगेन बिटवीन द अनलाइक चार्जेस देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मेशन किसका होगा, CaF2 दैट इज आयोनिक कंपाउंड हेयर। तो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट द आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड क्या है देखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए, द आयोनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर है, एंड ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन क्या रहा है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या है, फॉर्म्स बाय द कंप्लीट ट्रांसफर, द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयनिक बॉन्ड देयर विल बी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप आयनिक बॉन्ड को डिफाइन भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, दैट द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाने के वजह से जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। तो ये हुआ अबाउट द आयोनिक बॉन्ड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बॉन्ड क्लीवेज। आयोनिक बॉन्ड का बॉन्ड क्लीवेज जो है वो कैसे होता है उसकी हम बात करते हैं। देखिए नाउ बॉन्ड क्लीवेज, आयोनिक बॉन्ड के बॉन्ड क्लीवेज की बात किया जाए हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, इट विल बी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हमने होमोलाइटिक क्लीवेज देखा था इन द कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ द नेक्स्ट इज हेट्रोलाइटिक। लाइटिक बाय द वर्ड लाइसिस, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक, हेट्रो मीन्स डिफरेंट से लीजिए। यहाँ पे व्हेन द बॉन्ड विल ब्रेक द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट सेम हेयर, सेम नहीं होगा, राइट। चलिए एग्जाम्पल लीजिए ए बी, ये कोई जो है वो आपके पास में मॉलिक्यूल है। सपोज दैट यहाँ अगर हम बात करें इस बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, क्लियर। अभी यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो से जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। हम बात कर ले रेंज की तो दैट इज ग्रेटर देन ऑफ 1.7, राइट। व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज ग्रेटर देन ऑफ 1.7 आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म। आयनिक बॉन्ड के लिए आपके पास में जो है वो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जो कि क्या होता है पता है आपको, पिछले क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का जो टेंडेंसी है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The sign tail shows the difference here. Electronegative difference should be greater than of 1.7. This is the condition to form the ionic bond. अब देखिए हमने इस bond की बात की, इस molecule की बात की where there are two atoms A and B. Suppose that B का electronegativity that is greater than of A. क्या कह रही हूँ मैं? This is order of En. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, बी इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑफ ए। नाउ टेल मी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मींस नाउ दीज बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन, दीज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स द स्पीसीज बी एंड ए प्लस बी माइनस आयन्स विल बी फॉर्म हियर। We know it very well that chlorine highly electronegative है than of sodium. Bond के electron कौन लेके जाएगा? Chlorine लेके जाएगा. It will form Na plus and the Cl minus. Right? ये है about bond cleavage. अब हम बात करते हैं next जो है वो हमारे term की, हमारे यहाँ पर जो है वो बात जिसकी कर रहे हैं. Now we are discussing about the energy terms related with the ionic bond. Ionic bond में क्या क्या energy terms involve हो रही हैं, energy जो है उसके बारे में हम बात करते हैं with the bond, ionic और the electrostatic. So keep watching. Yes, energy terms. Which involve here in the electrovalent bond. चलिए यहां पर आप तीन energy terms पढ़ेंगे, चलिएगा। सबसे पहला मैं step लेती हूं। सबसे पहला step हमें क्या चाहिए, metal electron donate करे to form the cation. This is metal here. When it donate one electron, it will form the metal cation. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हुआ, राइट। सेकेंड स्टेप की बात कीजिएगा, जो भी नॉन मेटल है मैं उसको जो है वो एक्स ले लूँ, बिकॉज वी नो इट वेरी वेल हेलोजन जो है वो नॉन मेटल हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ओके एक्स, इलेक्ट्रॉन अटेन किया एक्स माइनस एनायन फॉर्मेशन, राइट।
Have a look now. What will be the third step? Cation, anion will held together and will form MX, that is ionic compound. तो ये हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड है जो तीन स्टेप्स में हो रहा है. सबसे पहले क्या करें, मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करें टू फॉर्म द मेटल कैटायन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें टू फॉर्म एनायन. कैटायन एनायन ओपोजिटली चार्ज आयन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसके वजह से आपके पास में आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है. Now I'm going to discuss about the energy which is involved here. कौन कौन सी energy यहाँ पर involve हो रहे हैं. तो सबसे पहले देखिएगा, आपने chapter number 3 periodicity पढ़ा होगा, उसमें आपने कुछ terms पढ़े होंगे. अगर नहीं पढ़ा है तो आप उस चीज़ को पढ़ लेंगे. That is, देखिए, the energy which is required to release one electron. The energy which is required to release one electron from any isolated gaseous atom, right? कोई भी isolated gaseous atom है, किसी भी gaseous atom से एक electron release करवाने के लिए आपको energy देना पड़ता है. And that energy which is required to release one electron from the gaseous species, ये भी आपके पास में gaseous बनेगा, ठीक है. तो गैशियस स्पीसीज से आपको एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड हेयर, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी और द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आईई, राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी. द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी गैशियस एटम, किसी भी गैशियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए, दैट विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी. क्लियर? चलिए नेक्स्ट टर्म पे आइए. चलिए मैं एक बात और साथ के साथ कर लेती हूँ. यहाँ एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, बताइएगा. टू रिलीज इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी देना पड़ता है. आयोनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी और ये आपको देनी पड़ रही है, राइट, मतलब एब्जॉर्ब्ड हो रही है यहाँ पे बाय द सिस्टम. एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हेयर, सॉरी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हेयर. एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एब्जॉर्ब एनर्जी, इज द एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड. यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. कम टू द नेक्स्ट, कोई भी सिस्टम है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है चेंज इन एनर्जी, राइट, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है कि आपके पास में, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि द चेंज इन एनर्जी व्हेन एनी गैशियस एटम एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, चेंज इन एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट. तो ये आपके पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी था. यहाँ हम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं. इसको ऐसे डेल ई जी एच लिखा जाता है, एच इज एंथैल्पी, चेंज इन डेल ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये है अपने पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. दीज टर्म विल डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 3. इसके अलावा आपके पास में थर्मोडायनेमिक में भी ये थोड़ा डिस्कशन होता है. देखिए, ये यहाँ पर आपके पास में जो है वो फॉर सम केसेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपके पास में पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ज़्यादातर ये नेगेटिव होगा, कुछ केसेस के लिए पॉजिटिव भी है. हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अबाउट द हेलोजन्स, और हेलोजन्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होगा, मतलब रिलीज हो रहा है. देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. पॉजिटिव किस केस के लिए होगा वो भी मैं बता देती हूँ. पॉजिटिव होता है फॉर नोबेल गैस.
आप देखिएगा नोबेल गैस से अगर आपको इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ऐड करवाना है, वैसे जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है कोई भी स्पीसीज में एनर्जी रिलीज होता है। टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एनर्जी रिलीज होगा। ओके, नोबेल गैस की अगर मैं बात करूं, दिस इज ऑलरेडी स्टेबल, सो ये नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन गेन करना भी। तो अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन अगर हम करवाना चाहें, हमें आउटर फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब हमें आउटर एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी अगर हमें नोबेल गैस में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करवाना है, इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है इन द नोबेल गैस। सो द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ हेलोजन्स, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ जो है वो नोबेल गैस की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, नोबेल गैस की बात नहीं कर रहे हैं तो आप इसको हटा दीजिए। यहाँ ये जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, या आप ये कहें एनर्जी इज रिलीज हेयर When any system except one electron. Next हम बात करते हैं हमारे third step की, that is between the, चलेगा ये क्या है, that is gaseous atom है, और gaseous ion है, atom नहीं है, isolated gaseous ion, this is also gaseous, चलेगा it will be in the solid form। यहाँ हम एक नए टर्म से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू, यू से लैटिस एनर्जी को यहाँ पे डिनोट किया जाता है। देखिए लैटिस एनर्जी होती क्या है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म gaseous ions by one mole of the substance, solid कोई compound है, कोई anionic solid compound है one mole, उसको आपको जो है वो किस में तोड़ना है, उसके gaseous substance में तोड़ना है, cation and anion के अंदर जो है वो break करना है। वापस सुनिएगा, lattice energy can be absorbed or can be released, मतलब ये एनर्जी रिक्वायर्ड भी हो सकती है या एनर्जी जो है वो रिलीज भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द केस। क्या केस है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन मोल आयनिक सॉलिड कंपाउंड इनटू इट्स गैशियस आयन्स। ठीक है, कोई भी, पहली बात ये वन मोल के लिए डिफाइन है, वन मोल आयनिक कंपाउंड, वन मोल आयनिक कंपाउंड है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। चलिए इस बार मैं इसको थोड़ा सा एक बार उल्टा कर देती हूँ। नाउ हैव अ लुक, दिस इज द सब्सटेंस, आयनिक कंपाउंड है, वन मोल आपने जो है वो लिया हुआ है, वन मोल आयनिक कंपाउंड को उसके केटायन उसके एनायन में तोड़ने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, तोड़ना है मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तोड़ना है मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म गैशियस कैटायन गैशियस एनायन बाय द वन मोल ऑफ द आयनिक सॉलिड कंपाउंड। वन मोल आयनिक सॉलिड कंपाउंड को उसके कैटायन में एनायन में ब्रेक करना है, कितना एनर्जी चाहिए, लैटिस एनर्जी। चलिए इसी को हम दोबारा जो है वो डिफाइन करते हैं इन द केस ऑफ द फॉर्मेशन, द एनर्जी विच इज रिलीज टू फॉर्म वन मोल आयनिक कंपाउंड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैशियस आयन्स। गैशियस आयन्स हैं, उनसे वन मोल सॉलिड बनाने के लिए, वन मोल आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए कितना एनर्जी रिलीज हुआ, या वन मोल कंपाउंड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। क्लियर, दिस इज द लैटिस एनर्जी, यू से इसको जो है वो डिनोट किया जाता है। अभी अभी हमने बात की अबाउट द थ्री एनर्जी टर्म्स, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग, हम लैटिस एंथैल्पी को डिस्कस कर रहे हैं कि लैटिस एंथैल्पी होती क्या है, ये हम बात कर चुके हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी, तो देखिए द
The first factor which affect the lattice enthalpy, that is charge ले लीजिए, charge on ions. देखिएगा, charge आपके पास में जितना ज्यादा होगा, क्या आपके पास में चार्ज अगर ज्यादा है तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो उतना ही ज्यादा होगा क्या? राइट, ओके, मींस इफ चार्ज इज हाई देन इंटर आयनिक अट्रैक्शन विल बी हाई. और जब आपके पास में इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा है तो हम पता है कि लैटिस एनर्जी भी जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा. देखिए क्या बात किया हमने, चार्ज जितना ज़्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा और उतनी ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी. क्यों ज़्यादा, एक बार बताइए, चार्ज जितना ज़्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा, और जितना ज़्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए, टू ब्रेक दैट बॉन्ड, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. या आप ये कहें कि वो बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी. और दोनों ही कंडीशन आपके पास में लैटिस एनर्जी की है, जहां पे आपके पास में क्या है, इफ द चार्ज हाई इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा और लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी. एग्जांपल लीजिए, Fe 2 प्लस इन द Fe 3 प्लस, आपको पता है Fe That is iron. Iron shows the two valencies, 2 plus and the 3 plus. अब आप मुझे बताइए, lattice energy जो है वो Fe2O3, right? Fe2O3 के अंदर होता है आपके पास में. यहाँ अगर मैं बात करूँ FeO, देखिए here the charges Fe2 plus and Fe3 plus. अब अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों में से lattice energy ज़्यादा किसकी है, तो देखिए charge ज़्यादा, इट मीन्स इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा, इट मीन्स लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी. साइज ऑफ आयन्स की बात कीजिए, साइज ऑफ आयन की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा, साइज जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही ज्यादा, साइज जितना ज्यादा होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस विल बी हाई, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा. साइज जितना ज़्यादा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा, मतलब अभी आपको जो है वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर होगी, मींस लैटिस एनर्जी विल बी लो देयर. इफ साइज इज हायर, साइज इज ग्रेटर, तो साइज अगर ज़्यादा है लैटिस एंथैल्पी कम होगा, मींस देयर इज inversely proportional relationship between lattice enthalpy and the size. Size और lattice enthalpy के बीच में inversely proportional का जो है वो relation है, तो size बढ़ेगी मतलब कि lattice enthalpy कम होगी. Clear? चलिए, charge ज़्यादा तो lattice enthalpy ज़्यादा, charge is proportional with the lattice enthalpy while size is inversely proportional with the lattice enthalpy. Third factor, crystal structure of the compound. देखिएगा, अगर हमारे पास में वेल अरेंज्ड थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो lattice enthalpy ज्यादा होती है. वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल अरेंज्ड थ्री डी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यस, कंपाउंड्स विद
वेल अरेंज्ड थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हाई. जितना वेल अरेंज्ड थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होगा. तो ये हुई बात ऑफ लैटिस एंथैल्पी. और अब हम हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड. सो कीप वॉचिंग. चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक बॉन्ड की. पहली प्रॉपर्टी जो होगी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं. फिजिकल स्टेट ऑफ द आयनिक कंपाउंड दैट इज सॉलिड. आप ध्यान रखिएगा फिजिकल स्टेट इसका सॉलिड होगा. चलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो हमारे पास में किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स की बात किया जाए, फिजिकल स्टेट जो आयनिक कंपाउंड का होता है वो सॉलिड होता है, या आप ये कहें ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड के कंपेरिजन में आयनिक बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है. अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मीन्स आपको जो है वो उसको मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा फॉर मेल्टिंग एंड द बॉयलिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई हो जाएंगे. थर्ड बात करते हैं ऑफ कंडक्टिविटी. चलिए कंडक्टिविटी की अगर बात किया जाए तो देखिएगा सॉलिड स्टेट के अंदर अगर है तो कंडक्टर नहीं होंगे, बट इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट दोनों ही स्टेट में कंडक्टिविटी शो करेंगे. इन बोथ द स्टेट, इन द मोल्टन फेज एंड इन द एक्वस फेज द आयनिक कंपाउंड शोज द कंडक्टिविटी. देखिए सॉलिड है मतलब कि अभी अभी बात किया कि आयनिक बॉन्ड जो है वो कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट. इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो यहाँ पर जो है वो चार्ज सेपरेट नहीं हो पाएंगे. जब चार्ज का सेपरेशन नहीं हो पाएगा कंडक्टिविटी क्या होती है, क्यों होती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयन्स. आयन्स ही सब नहीं है, जब आयन्स हैं तो सही लेकिन क्या कर रहे हैं, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉज पॉजिटिव एंड द निगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बंधे हुए हैं, इतना टाइटली बंधे हुए हैं कि ये यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस के फॉर्म में फ्री नहीं होंगे. जब फ्री नहीं होंगे तो हमारे पास में जो है वो क्या नहीं शो करेंगे, आयन्स का फॉर्मेशन नहीं है, आयन्स का मूवमेंट भी नहीं है, इट मीन्स कंडक्टिविटी भी नहीं है इन सॉलिड स्टेट. इन द मोल्टन स्टेट, इन द एक्वस स्टेट, मोल्टन स्टेट में आपने क्या किया है, आपने इसको हीट दिया है, बहुत ज़्यादा हीट दिया है. ड्यू टू दैट ये फोर्स जो है वो टूटेगा, आयन्स बनेंगे, फ्री आयन्स हैं तो आपके पास में जो है वो क्या होगा, व्हेन देयर आर फ्री आयन्स तो आयन्स का मूवमेंट भी हो सकता है एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन्स कंडक्टिविटी शोज. या एक्वस स्टेट की बात करते हैं, जब भी आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हमारे पास में एक टेंडेंसी है वाटर की, ये यहाँ पर इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको बहुत बहुत हद तक कम कर देता है. ड्यू टू दैट आयन्स फॉर्मेशन होता है और आयन्स अगर बन रहे हैं तो मूवमेंट ऑफ आयन होगा, मूवमेंट ऑफ आयन होगा तो आपके पास में क्या होगा, कंडक्टिविटी शो होगी. तो इन द सॉलिड स्टेट कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं, लेकिन मोल्टन एंड इन द एक्वस फेज, मोल्टन एंड इन द एक्वस फेज क्या करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे. नेक्स्ट बात किया जाए रिएक्शन की बात अगर मैं करूं, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, ये मान के चलिए 10^6 10^8 माइनस
है ना, 10^-6, 10^-8 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है। मतलब इतना फटाफट जो है वो रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट रिएक्शन होती है इन द आयनिक बॉन्ड। इसके अलावा हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑफ सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड। आपको पता होगा लाइक डिजोल्व इन लाइक पोलर सॉल्वेंट, दैट इज वॉटर में डिजोल्व करेगा, ठीक है चलेगा। लास्ट बात करें अगर तो परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, इसकी हम बात करेंगे। देयर इज अ रूल, फाजांस रूल, और इसमें हम देखेंगे। हमने एक बात कही थी कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता, 100% कोवेलेंट नहीं हो सकता। इन आयनिक बॉन्ड देयर आर सम कोवेलेंट कैरेक्टर, और उन्हीं कोवेलेंट कैरेक्टर को जो है वो फाजांस रूल से एक्सप्लेन किया जाएगा इन नेक्स्ट वीडियोस इन फर्दर क्लासेस। तो आज के लिए हम जो है वो प्रॉपर्टीज की जो बात किए हैं, फिजिकल स्टेट सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में नहीं शो करते हैं, बट इन द मोल्टन एंड इन द एक्वस स्टेट इट विल शो कंडक्टिविटी, द आयनिक कंपाउंड विल शो कंडक्टिविटी। रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबलाइज करते हैं। परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर की हम बात नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, और इसी के साथ हमारा आज का क्लास, आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, आपने क्लास को इंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।